में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। लास्ट क्लास में हमने पिवट टेबल से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट किया था और हमने इससे पहले हमने कैलकुलेशन वगैरह पिवट टेबल में कर चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल डेटा टेबल, ठीक है राहुल जी? एक्सटर्नल टेबल की बात करेंगे। हमने कैलकुलेशन वगैरह तो कर चुके थे क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में। हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल डेटा टेबल की। तो क्या होता है कि अगर आपके पास अगर कोई डेटा डिफरेंट लोकेशंस में है तो वहां पे हम पिवट टेबल, एक्सटर्नल पिवट टेबल के माध्यम से लगाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हम किसी अलग डेटाबेस में ही करें, हम सेम डेटाबेस में भी इसका यूज करते हैं। तो चलिए उनके फायदे और तरीके हम आपके साथ समझाते हैं। तो मैं एक डेटा फाइल ओपन करता हूँ। तो मेरे सामने डेटा है जिसमें जिसे पहले भी पिवट की बात की थी, अब इसमें मुझे पिवट लगाना है। तो जैसे कि लास्ट क्लास बताया था आपको कि अगर आप किसी डेटा में पिवट लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें पिवट इंसर्ट किया पिवट टेबल एंड ओके, और हमने मान लीजिए कोई पिवट यहाँ पे कोई भी किसी तरह का रिपोर्ट हमने जनरेट कर लिया। जैसे बस एक रिपोर्ट जनरेट कर लेता हूँ मैं, पिवट जनरेट हो गया। अब इसमें अगर कोई नया डेटा ऐड होता है, कोई चेंज होता है, मान लीजिए कि मैं नेम में कोई नया नेम डाल देता हूं, मैं एक नेम डाल दिया दे, तो जस्ट मैं अपने एक्सेल में रिफ्रेश करूंगा तो यहां पे एक नया नाम देव ऐड हो गया, ओके? लेकिन अगर हमने डेटा में कोई नई डेटा एंट्री कर दी है, मान लीजिए कि मैं एक नया डेटा एंट्री कर देता हूं, जैसे नेम डाल देता हूं सूर्य और प्रोडक्ट डाल देता हूं मैं नॉम्स, तो अब देखेंगे हमारे रिफ्रेश करने पे हमारे सीट में जो डेटा ऐड नहीं होता है। क्यों ऐसा ना होने का रीजन है कि जब हमने पिवट लगाया था तो हमारी जो सिलेक्शन थी वो सिलेक्शन यहीं तक की थी, मतलब कि नीचे का जो डेटा नया डेटा ऐड हुआ है वो सिलेक्शन से सिलेक्शन में नहीं था, क्योंकि पिवट लगाते समय जितना डेटा उस समय था हमने सिलेक्शन उतने ही डेटा में किया था। तो हर बार मेरा डेटा ऐड करने के बाद मुझे क्या करना होगा कि पिवट टेबल एनालाइज में जाना होगा, चेंज डेटा सोर्स में जाके वापस डेटा को रीसिलेक्ट करना होगा। अब ये प्रॉब्लम हो गई, ये आपकी प्रॉब्लम हो गई। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, मैं चाहता कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जिसको हमें बार बार पिवट का रेंज चेंज करने की, जैसे मैं अपना रेंज इंक्रीज करूं मेरा पिवट में अपने आप रेंज इंक्रीज हो जाए। तो आप लोगों की प्रॉब्लम समझ में आ गई ना, प्रॉब्लम क्या है? डाउट है? अब चलिए चलिए सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि हम इसको पिवट टेबल के माध्यम से करेंगे, लेकिन हम यूज करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल। और यहां पे हम चूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे। चूज कनेक्शन पे जाएंगे तो यहां पे जो आएगा, जो मान लीजिए इससे पहले पिवट आपने लगाया है,
उसका। और यहां पे आके आपका जो फाइल ओपन है इसी फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ सर, डाउट है थोड़ा सा, वो पूछना था मुझे। पूछिए। इंसर्ट में जो आप पाइवेट टेबल है, ठीक है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना। स्लाइसर है ना, स्लाइसर, वो हाँ मुझे एक बार बता दीजिए ना सर, वो समझ में नहीं आया मुझे स्लाइसर। स्लाइसर में पढ़ाया नहीं है सर, ये तो स्लाइसर की तो आगे की टॉपिक है। तो अच्छा ठीक है, ओके। जैसे कि मैंने अपने लोकेशंस में गया और इसी डेटा को, जो डेटा इसी डेटा को हमने सेलेक्ट किया एज ओपन कर दिया। अब यहाँ पे सीट आया क्योंकि पिवट एक बार में किसी एक सीट से लग सकता है, मल्टीपल सीट से नहीं लग सकता। तो हम यहाँ पे अपनी सीट को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे, एंड यहाँ पे हम ओके करेंगे। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए पिवट लगाता हूँ, मैंने क्या किया, मान लीजिए नेम यहाँ रख दिया और प्रोडक्ट को नीचे रख दिया और यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिया। अब मैं डेटा में कुछ भी एंट्री करूंगा, जैसे मान लीजिए कि मैं एक नया एंट्री और करता हूँ, इसमें नाम जो है नया नाम डाल देता हूँ और प्रोडक्ट डाल देता हूं, मान लीजिए मैं जैसे मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करते ही हमारा नया प्रोडक्ट और नया नाम ऐड हो गया, हमें जाके रेंज को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कैसे करेंगे, किसी को डाउट? नो सर। अब जैसे कि स्लाइसर्स के बारे में पूछ रहे थे, स्लाइसर क्या होता है, फिल्टर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये रिपोर्ट जो दिख रही है ओवरऑल दिख रही है, मुझे मान लीजिए सेल्स मोड बाइड और वेबसाइट बाइड फिल्टर करना है, ओके। तो मैं यहां से एक एक करके फिल्टर लगाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने डायरेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, इस तरह से रिपोर्ट आ गई। तो अब देखिए देखिए डायरेक्ट में आईपीटी इंडिया नहीं है, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पता कब चलेगा, जब फिल्टर लगाऊंगा क्या। तो ये जो फिल्टर को, अब ये फिल्टर में एक समस्या ये होती है कि कई सारे लेवल की फिल्टर आप लगाते हैं, तो कई सारे के लेवल के फिल्टर में क्या होता है आपका, कि आपको एक फिल्टर आपने लगाया था इसमें क्या सारे यहाँ पे लिस्ट शो होगा, वो शो नहीं होगा। जैसे कि डायरेक्ट में सिर्फ यहाँ पे सुजीत कुमार है, यहाँ पे सुजीत कुमार शो होना चाहिए, आईपीटी इंडिया में कोई डेटा नहीं है तो नहीं शो होना चाहिए, लेकिन पूरा शो करेगा। और दूसरा थोड़ा सा डिजिटल फिल्टर होना चाहिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव एंड फिल्टर होना चाहिए। तो उस केस में इंसर्ट हम यहाँ पे स्लाइसर करते हैं, तो किसके साथ फिल्टर चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ पे सेल्स मोड, जितने भी सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो, और साइट एंड ओके कर दिया। अब यहाँ पे फिल्टर इस तरह के डिजिटल फिल्टर आ गया। अब मैं जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए आईपीटी इंडिया जो है ना अनहाइलाइटेड है, मतलब इसका मतलब है कि डायरेक्ट सेल में आईपीटी इंडिया रिजर्व नहीं करता है, ठीक है। ऐसे आप दो बोथ अवेलेबल की, मुझे आईपीटी इंडिया सेलेक्ट करनी है और मुझे इसमें देखना आता है तीन का सेल्स मोड है, एजुकेशनल, ऑनलाइन और वेबसाइट। तो फिल्टर के लिए स्लाइसर का इस्तेमाल होता है, आगे की क्लासेस में इसको और मैं डीपली बताऊंगा, ठीक है। ठीक है नितिन जी, ठीक है राहुल जी, सोनू जी, जी अब अगले टॉपिक के बाते हैं। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल आपने देखा कि हम एक ही फाइल में नॉर्मल पिवट टेबल की मेथड को ना इस्तेमाल करते हुए हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल किया अच्छा पिवट टेबल का। इसका पर्पस ये था कि जब मैं डेटा अपडेट करूं तो ये मेरा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, एक तो ये पर्पस था। अब दूसरा पर्पस ये होता है कि
कि आपके पास ऑफिस में डम्प फाइल होगा जो कि 200-300 MB की फाइल होगी। जब भी उस फाइल को आप ओपन करेंगे तो काफी ज्यादा हैंग करेगा, ठीक है, काफी ज्यादा हैंग करेगा और दिक्कत भी होती है। जब भी आप उसको यूज करते हैं, उस पर पिवट लगाते हैं चाहे कुछ लगाते हैं तो काफी दिक्कत होती है। तो यहां पे मैं चाहता हूं कि उस तरह की चीजों पर दिक्कत ना हो, तो उसमें हम एक्सटर्नल पिवट टेबल लगाएंगे, क्योंकि पिवट लगाते समय जो एक बार आपको फाइल हैंग होगा वही हैंग होगा, बाकी नॉर्म ऑपरेशन जो है नॉर्मल से अपेक्षा फास्ट चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फोर उच यहाँ दिख रहा है ना आपको, दोबारा आपको फाइल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने लगा लिया तो लिस्ट में आ जाता है, आपको सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे भी बटन आपका लग गया, तो किसी अनदर फाइल पे ही लगा सकते हो। यही नहीं, अगर मान लीजिए कि आपका फाइल, आपका डेटा एमएस एक्सिस पे पड़ा हुआ है, तो आप पिवट टेबल एमएस एक्सिस से भी लगा सकते हैं। ब्राउज फॉर मोड पे जाए और अपना पिवट टेबल वाली, आपकी जो एमएस एक्सिस वाली फाइल है, एमएस एक्सिस डेटाबेस वाली फाइल है, उस फाइल को सिलेक्ट करें एंड इसको एक में, हाँ मैंने इस, इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया और इसको हमने ओके किया एंड ओके किया। तो मेरा डेटा है कहां पे, एमएस एक्सेस में है, एज ए पिवट हमारा यहाँ एक्सेस में इंपोर्ट हो गया, और पिवट की तरह हम इसको आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको इसके अलावा एक्सेस के अलावा जो है आप जो है और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप ब्राउज फॉर मोड पे करेंगे तो यहाँ पे तो आपकी जो एक्सेल फाइल होती है वो फाइल आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे सर्वर वगैरह है, एसक्यूएल सर्वर है, तो यहाँ आप अपने एसक्यूएल सर्वर से लिंक कर सकते हैं कि एसक्यूएल सर्वर आपने सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट, यहाँ पे आप अपना सर्वर नेम देंगे और हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब एसक्यूएल सर्वर आपके सिस्टम पे होना चाहिए, अगर एसक्यूएल सर्वर सिस्टम में नहीं है तो फिर ये आपका नहीं होगा। तो मैं स्टूडियो में एक बार खोलता हूँ, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा सर्वर नेम। तो सर्वर नेम कैसे पता चलेगा, तो आपके सिस्टम में जो आपकी SQL सर्वर होगा, लोकल होस्ट हो या फिर क्लाइंट सर्वर हो, जब उसको लॉगिन करेंगे तो आपको वहां दिखेगा। मैं इसको ओपन होने दीजिए, सर फिर एक बार बता सकते हैं, क्या बताना है? ये अभी जो ये स्क्वेल सर्वर लिया है अभी अभी मैं वो ओपन समझ कर में रहा नहीं हूँ, है। अभी अभी मैं एसक्यूएल सर्वर ओपन कर रहा हूँ, मेरा ओपन हो रहा है। एसक्यूएल सर्वर को ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक ठीक है, ओपन होने के बाद मुझे बता दो। है, तो इसको थोड़ा सा ओपन होने दीजिए, तो मैं करके दिखा दूंगा। हो गया, तो यहाँ पे आपको सर्वर नेम आपको यहाँ देना होगा, तो सर्वर नेम अगर पता नहीं है तो ब्राउज भी कीजिए, तो यहाँ पे आपको डेटाबेस इंजन ए रहा है सर्वर, इसको क्लिक कर दीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, ये आपका पाथ होता है, और आपके पीसी का नेम कर लीजिए या फिर आपका जहाँ पे आपका सर्वर है उसका पाथ होता है, ये आपका सर्वर नेम होता है। इस सर्वर नेम को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और एक्सेल में जाते हैं और यहाँ पे इसको देते हैं। अब जैसे कि मेरा तो लोकल होस्ट है, मतलब कि मेरा सर्वर है इसी सिस्टम में, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ विंडो ऑथेंटिकेशन, मतलब कि जो विंडो की ओपन करने की पासवर्ड उसी को लेके चल चलेगा।
लेकिन जब आप क्लाइंट सर्वर यूज करेंगे, मतलब कि आप ऑफिस में यूज करेंगे, नितिन जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड से शोर आता है आपके। तो यहाँ पे विंडो एजुकेशन के जगह पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यूजर नेम पासवर्ड, और यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा क्योंकि जनरली ऑफिस में आपको पता होता है। फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर सर्वर से इसको कनेक्ट करेगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा डेटाबेस चाहिए। तो मेरा यहाँ पे आईपीटी डेटाबेस है और आईपीटी डेटाबेस में जितने भी सर्वर टेबल्स होंगे उस टेबल के लिस्ट आ जाएगा, इसमें किस टेबल से कनेक्ट करना है। तो हमने बोला हमें डेटा वन से कनेक्ट करना है एंड नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे इसको आप फिनिश कर दीजिए एंड ओके फिनिश। तो मेरा पिवट टेबल एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर है। तो एसक्यूएल सर्वर से कैसे पिवट टेबल लगाएंगे, समझ में आ गया आप लोगों को? सोनू जी कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर और एक बार बताओ ना, क्या बताऊं? यही जो सर्वर का कैसे लिया हो सर? सबसे देखिए, सबसे पहले आपके सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए, राइट? ओके। उसके बाद आपको यहाँ सर्वर नेम, आप सर्वर नेम पता होना चाहिए ओके विथ पाथ। फिर आप ओके करना है यहाँ इंसर्ट में पिवट टेबल पे जाइए, चूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, यहाँ से चूज कर लिया आपने कनेक्शन में, ब्राउज पे जाए और यहाँ सोर्स आपको दिखेगा, यहाँ ओके फाइल्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। न्यू सोर्स पे जाएंगे तो वहां पे आपको एसक्यूएल सर्वर दिखेगा। यहाँ पे एक एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विस है, दोनों अलग अलग है। तो आपके पास डेटाबेस इंजन है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, अगर आपके पास एनालिसिस सर्विसेज है तो आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ऑनलाइन जो डेटा होती है उसके लिए ये यूज किया जाता है, लेकिन आपके नेटवर्क पे लैन से कनेक्टेड सिस्टम में सर्वर है तो आपको एसक्यूएल सर्वर सिलेक्ट होता है। फिर आप नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे अपना सर्वर पास विथ नेम डाल दीजिए। अगर लोकल होस्ट है, मतलब जिस पीसी में आप यूज कर रहे हो उसी पीसी में आपका सर्वर है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, विंडो ऑथेंटिकेशन पे चल जाएगा। लेकिन क्लाइंट सर्वर है तो यहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आपको डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, डेटाबेस सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद डेटा को सेलेक्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट और फिनिश कर दीजिए एंड ओके। हो गया? ओके सर। ठीक है, ओके। तो एक्सटर्नल डेटा से इस तरह से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ब्राउज फॉर मोड में जैसे कि आप किसी भी एक्सेल फाइल को यूज कर सकते हो, इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका ओडीबीसी है, डेटा फीड है, ओरिकल है, ऐसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर है तो अदर में जाइए और इसके कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे तो ये कंपोनेंट कैसे पता चलेगा, जैसे कि इसमें कौन सा प्रोवाइडर है, कनेक्शन क्या है, एडवांस में सब चीजें डालना पड़ेगा। तो जो आपको टैग, आपका सॉफ्टवेयर का टैग टीम है वो आपको समझा देगा, और इसका यूज हम कम ही करते हैं। अब इसमें बात करते हैं कुछ और चीज की। मान लीजिए कि कुछ ऐसा चीज है जिसके बारे में मुझे पता नहीं कि वो न्यू सोर्स में किस चीज को सेलेक्ट करने से होगा, उसकी पूरी पाथ यहाँ डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे वेबसाइट, मैं एक वेबसाइट से डेटा को लेता हूँ, मैं एक वेबसाइट से डेटा को लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पिवट टेबल का सर्च किया डेटा। गुड इवनिंग इंस्टीट्यूट। हेलो हेलो, यहाँ पे आपको इसकी फाइल दिख जाएगी, जो बड़ी ब्रैकेट में होता है फाइल होता है।
आपको नहीं मिल रहा है। एक मिनट, क्रोम में सर्च करने दीजिए, मेरे आईडी से सर्च होगा तो उसमें होगा। एसक्यूएल सब रोक लीजिए, इसलिए एसक्यूएल सब वैसे बहुत ज़्यादा लेता है। हेलो, जो क्लिक करते ही हमारा फाइल डाउनलोड होता है। ये नहीं, इसे एक लिंक खोज रहा हूँ, इस पर क्लिक करते हैं फाइल डाउनलोड होगा मेरा, फिर उस लिंक को डायरेक्ट हम कट के दिखाएंगे आपको। पहले मिल जाता था गूगल पे, अब नहीं मिल रहा है आसानी से। नहीं मिल रहा इंटरनेट पे लगा, रूल चेंज हो गया है किसका? जैसे डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स सर्च कर दिया तो बहुत सारे फाइल जो कि डायरेक्ट डाउनलोड हो जाते थे। बट यहाँ डाउनलोड नहीं हो रहे। जैसे हुआ ना सर, इस पर क्लिक करने से फाइल डाउनलोड होगा, डाउनलोड हुआ ना सर, तो मुझे इस पर बार बार पिवट लगा के डाउनलोड करना होता है। तो मैंने इसकी लिंक को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, ब्राउज फोन पे मोड पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने इस पाथ को पेस्ट कर दिया। ओपन किया, ऑटोमेटिकली ये डेटा जो है डाउनलोड होगी, इसका पीवट लग जाएगा। ठीक है, जितने भी इसमें सीट होंगे वो सीट का लिस्ट अभी खुल के आ जाएगा, देखिए। और जब भी हम रिफ्रेश करेंगे डेटा अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एफटीपी या किसी पर्टिकुलर फाइल के में आपका डेटा है तो बार बार डेटा डाउनलोड करने की झंझट नहीं है। आप खुद ब खुद डेटा को फिल्टर इसके लिंक कर दोगे तो अपने आप डेटा डाउनलोड होके आपका फिल्टर हो जाएगा, ये पिवट बन जाएगा। ठीक है सर, ये तो थी हमारी पिवट, आज की पिवट टेबल में एक्सटर्नल पिवट टेबल का लिंक रहा। कल की क्लास में हम आपको इससे आगे मल्टी एक ही सीट में मल्टीपल पिवट टेबल, फिल्टर कनेक्शन, स्लाइसर्स, डेट एंड टाइम और बाकी चीजों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, तो मिलते हैं कल सेम टाइम।